19 फरवरी 1630 पूरे देश भर में क्या मनाया जाता है, पूरे देश भर का पता नहीं, कि महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, महोत्सव। क्यों? क्योंकि शिवरायांचा जयंती अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी 1630 में। इसमें भी कई सारे मत है लोगों के, क्योंकि कई लोग जो है 16 अप्रैल 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मानते हैं और कई लोग जो है 19 फरवरी 1630 को मानते हैं। तो इस प्रकार से जो अधिकतर जो लोग जो मानते हैं वो है 19 फरवरी 1630 की डेट है, अर्थात 19 फरवरी 1630 में जन्मे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवनेरी के दुर्ग में छत्रपति का जन्म होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। ऐसा महानतम चरित्र, ऐसा महानतम राजा और ऐसा महानतम देवतुल्य जो प्रजापति जिनको हम कहते हैं श्रीपति भूपति गज अश्वपति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति, इतने लंबे लंबे तो उपाधियाँ इतनी इतनी बड़ी हैं, उनके उपनाम इतने इतने बड़े हैं जिनको जो है बड़े बड़े राजा जो आके उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, उनके सामने जो है उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जो कि युगों युगों में केवल युगों में एक ही बार पैदा होते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय महानतम क्रांतिकारियों में से एक लिया जाता है। महाराणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनका नाम लिया जाता है। बड़े बड़े महाराजाओं योद्धाओं में उनका नाम शामिल होता है। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि 5 फीट 7 इंच के छोटे से कद के थे और इतने बड़े बुद्धिमान कुटिल थे कि उनको महाराणा प्रताप और आचार्य चाणक्य का जो है कॉम्बो माना जाता था, अर्थात दोनों के मिश्रण होकर छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है ऐसा कहा जाता था। क्योंकि बुद्धिमानी में कुटिलता में कूटनीति में इतने चतुर थे कि गोरिल्ला युद्ध से जो है बड़े बड़े सेनाओं को जो है ध्वस्त कर देते थे। क्योंकि एक बार की बात है, छत्रपति के पुणे के दुर्ग में जहाँ उनका बचपन भी था वहाँ शाइस्ता खान कब्जा कर लेता है, तब वो जो है 5 अप्रैल 1663 में वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते। भारत का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, अर्थात उरी का जो स्ट्राइक देखा आपने वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ चंद मावड़ों के साथ शिवनेरी क्षमा चाहूँगा पुणे के दुर्ग में शाइस्ता खान का उंगलियाँ काटते हुए किया था। इस प्रकार से और एक स्ट्रेटेजी होती है छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख वाला, जब अफजल खान का वध होता है 10 नवंबर 1659 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान मिलते हैं प्रतापगढ़ के किले में, तो वहाँ छावनी लगी होती, तब अफजल खान धोखे से छत्रपति को वार करता, तब छत्रपति अपना सिंह ना क्या वाघ नख निकाल के उसको जो है नरसिंह के भांति फाड़ डालते हैं। इस प्रकार से जब मैं पहली बार छत्रपति का यह प्रसंग सुना था तो मेरे को तो कुछ मूवी के जो है क्लाइमेक्स जैसा लगा, क्योंकि आप देखिए एक ट्विस्ट आता जाता है, क्योंकि छत्रपति अपने कवच कुंडल अर्थात जो है वो जो लोहे का कवच पहने हुए वहाँ पर रेडी होते हैं, अर्थात सोचिए कितना वो आगे के सोचते थे। आज हम जो मूवीज में टोनी स्टार के सब बुद्धिमान वगैरह देखते हैं ना, ये सब कुछ नहीं, छत्रपति अकेले पर्याप्त थे अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को टक्कर देने के लिए। इस प्रकार से शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत जिन्हें कहा जाता है, अर्थात शस्त्रों में भी जो पारंगत थे और शास्त्रों में जो पारंगत थे, ऐसे थे हमारे राजा अधिराज महाराज शिव छत्रपति, जिनके बारे में वर्णन करें उतना ही कम है। क्योंकि जिन्हें जब फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है, जब फाउंडर ऑफ द इंडियन नेवी राजा राजेंद्र चोल, जहाँ पे चोल साम्राज्य के जो राजा थे, लेकिन फादर ऑफ द इंडियन नेवी अर्थात उनको विस्तार से प्रयोग करने वाले, अपनी इतनी छोटी सेना में भी इतने बेहतरीन तरीके से उसको प्रयोग करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते, जिनको जो है अष्टकोणी जिनके राज चिन्ह को नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अब जो है नेवी में लगाया भी गया है। तो इस प्रकार से हमारे महाराजा अधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महानतम चरित्र थे जिनके ऊपर आज एक मूवी तक नहीं बनी। अब देखिए तानाजी में जो शरतकल का रोल था उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बॉलीवुड हो गया, कहीं भी हो मूवी नहीं बनती। और एक बनता है मराठी में शिव दिगपाल लांजेकर द्वारा जो है शिवराज अष्टक, लेकिन उसमें क्या होता है हिंदी में मूवी आती नहीं, अर्थात हिंदी भाषी लोगों को या फिर हम कहें कि पूरे भारतीय लोगों को जो है उससे वंचित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें भी जानना है, हमें भी घर घर पढ़ना है। जिनको पता नहीं है वो तो जानते हैं छत्रपति कौन है, लेकिन जिनको पता नहीं वो बिल्कुल जानते नहीं कि कौन शिवाजी महाराज, कौन कहाँ कैसे। इस प्रकार से सोचिए हम अपने महाराज के बारे में नहीं जानते और इधर हम गांधी नेहरू के बारे में एक एक शब्द जानते हैं, उनका वो क्या था कैसा था सब जानते हैं। तो सोचिए कितने शर्म की बात है, कितने हमारे लिए घृणा की बात है कि हम अपने महाराज को जानते। ये हमारे थे स्वराज्य निर्माता और मातो श्री जीजा भाई थे स्वराज्य जननी और छत्रपति संभाजी महाराज स्वराज्य धर्म थे रक्षक, अर्थात स्वराज्य के रक्षक थे वो। इस प्रकार से जो है स्वराज्य निर्माता हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं, जिनके बारे में आज हमें बहुत कम पता होता है, इनके बारे में मूवी वगैरह बननी चाहिए, इसके इनके बारे में जो है घर घर तक जानकारी देनी चाहिए, इनके बारे में इतिहास में पाठ्य पुस्तक में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब स्वयं पाठ्य पुस्तक पढ़ा था इतिहास का, बस उत्तर लिखा था बस, अब वही मुगलों के इतिहास के सामने। सोचिए कितनी घृणा की बात है कि हम शिवराय के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल एक सुना था बात कि गोरिल्ला युद्ध करते थे, अब गोरिल्ला युद्ध ही पता नहीं क्या होता है। इस प्रकार से हमारे महाराज का हमें बहुत कम पता है, घर घर में इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। आपके इसके क्या कहना चाहिए, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।